ये रोड है ये सीधा पाकिस्तान के निशाने पे आती है। सब्सक्राइब करें इंडिया ऑन रोड ट्रिप यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को कर लें एक्टिवेट ताकि हमारे नए टूर्स की इंटरेस्टिंग वीडियोस कहीं आपसे मिस ना हो जाएं। तो अभी जिस कहानी की हम बात कर रहे हैं वो कोई बीजेपी कांग्रेस की कहानी नहीं है, वो कहानी हमारे देश की है। वो कोई राहुल की मोदी पे विजय या मोदी की राहुल पे विजय या बीजेपी की कांग्रेस पे विजय या कांग्रेस की बीजेपी पे विजय की कहानी नहीं है, वो कहानी हमारे देश की है। हमारे देश की पाकिस्तान पे विजय की कहानी है। जिस दिन भारत ने पाकिस्तान को कारगिल में हराया था ये कहानी उन दिनों की है। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल इंडिया ऑन रोड ट्रिप। मैं हूं जलज कुमार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इंडिया ऑन रोड ट्रिप की एक नई वीडियो। नई वीडियो तो ये नहीं है, पुरानी ही वीडियो है। इस वीडियो को मैंने दोबारा से रीपोस्ट नहीं कहूँगा, ये एक पूरा व्लॉग था मेरा जो कि कारगिल से होते हुए गया था, जो इसमें हम लेह पहुँचे थे, सोनमर्ग टू लेह गए थे। रास्ते में कारगिल पड़ा था तो वहाँ जो मैंने स्टोरी सैनिकों से सुनी वो स्टोरी आपको बताने की कोशिश करी थी। तो इस वीडियो में उसका एक पार्ट रखूँगा क्योंकि आज कारगिल विजय दिवस है जो कि करीब करीब 19वां कारगिल विजय दिवस है। हमने 26 जुलाई 1999 को ये विजय हासिल करी थी पाकिस्तान पे। तो इसके लिए मैं पाकिस्तान को बधाई भी देता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इसमें बहुत अच्छे से हार गए, क्योंकि अगर वो इसे जीत भी जाते, एक सपोज कर रहा हूँ, जीतते तो नहीं, जीतने का कोई चांस नहीं था, आज तक नहीं हुआ है, अब क्या होगा। तो अगर उसे जीत भी जाते तो संभालते कैसे, जो ऑलरेडी POK उनके पास है वो उसे नहीं संभाल पा रहे, हमने देश को नहीं संभाल पा रहे तो हमारा भारत का हिस्सा कैसे संभालते। वैसे भी आपको तो हमारे बारे में पता है कि हम कैसे हैं, हमारा देश कैसा है, तो पाकिस्तान क्या संभालेगा, हमारे देश वाले देश वालों को नहीं संभाल पाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं उस कहानी को। पहले मैं थोड़ा सा आपसे इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। कारगिल विजय दिवस जो है हमारे स्वतंत्र भारत का एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण दिवस है। इसे हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है क्योंकि 26 जुलाई 1999 को हमने कारगिल पे विजय हासिल की थी पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान ने जो कूटनीति करी थी उसके खिलाफ विजय हासिल करी थी 1999 में। तो ये कारगिल युद्ध करीब करीब 60 दिनों तक चला था और 60 दिन चलने के बाद इसमें हमने बहुत अच्छे तरीके से विजय हासिल की थी, बहुत ज़्यादा शानदार तरीके से विजय हासिल की थी। टाइगर हिल पे हमारा झंडा फहराया गया था। तो ये जो दिवस मनाया जाता है ये हमारे जो हमने 527 जवानों को खोया था उस दिन, भारत माँ के लिए जो बलिदान हो गए थे हमारे वीर सपूत, उनके लिए मनाया जाता है, उनकी याद में मनाया जाता है। तो बहुत बहुत सैल्यूट उन सैनिकों को जो हमारे देश की रक्षा करते हैं और हमारे लिए दिन रात एक करते हैं और जिन्होंने हमारे लिए इतने बलिदान दिए, क्योंकि उनके बलिदानों को आप कभी भी भुला नहीं सकते, क्योंकि उनके ही कारण आज आप यहाँ पर, आज यहाँ स्वतंत्र भारत में सांस ले पा रहे हैं, जी पा रहे हैं। अगर एक प्रकार से देखा जाए तो आप यहाँ पर हैं, आपको कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही, लेकिन अगर आप यहाँ से उठ के वहाँ जाएंगे, एक बार वहाँ देखेंगे कैसा है क्या है, कई लिटरली आप मानेंगे नहीं, कई लोग यहाँ से लेह लद्दाख भी घूमने जाते हैं तो उन्हें घर की याद आती है, घर जाने की जल्दी होती है, लेकिन वो सैनिक आपके लिए अपना घर बार सब छोड़ करके वहाँ रह रहे हैं आपके लिए कि आप स्वतंत्र भारत में आज़ादी की सांस ले सको, यहाँ जी सको, अपने हर काम को रेगुलर कंटिन्यूस कर सको, एक अपने लिए बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले सको, बड़े बंगले बना सको, बड़े बड़े घर बना सको। तो वो सिर्फ अपने जीवन का बलिदान दे करके आपके लिए सब दे रहे हैं, ये एक प्रकार से उनकी भीख है हमारे लिए। तो बात करते हैं कि ये युद्ध हुआ क्यों था, इसके पीछे क्या मेन कारण था। 1971 के बाद कई बार भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष हुए हैं, युद्ध हुए हैं, जिनमें हमेशा भारत को विजय प्राप्त हुई है। दोनों देशों द्वारा परमाणु परीक्षण के कारण आपस में तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। फरवरी 1999 को लाहौर में एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुए थे कि हम शांतिपूर्ण तरीके से दोनों देशों की द्विपक्षीय वार्ता को सुलझाएंगे। इसमें कश्मीर मुद्दे को सुलझाने के लिए भी हस्ताक्षर हुए थे कि उसे शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जाए, लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, उसने एक ऑपरेशन बद्र नाम से एक ऑपरेशन चालू किया जिसमें उसने अपने सैनिक और अर्धसैनिक बलों को छुपा करके नियंत्रण रेखा के पार भेजना चालू किया। इसका मुख्य उद्देश्य कश्मीर और लद्दाख के बीच की जो कड़ी है उसको तोड़ना था
और जो भारतीय सेना सियाचिन में मौजूद थी उस ग्लेशियर से भारतीय सेना को हटाने का इस ऑपरेशन बद्र का प्लान था। और पाकिस्तान का मानना यह था कि इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार के तनाव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे मुद्दा बनाया जा सकता है। प्रारंभ में भारतीय सेना ने इसे घुसपैठ माना और यह मान लिया कि इनको नियंत्रण रेखा के पार कर दिया जाएगा या उन्हें पीछे हटा करके सब सही हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं। जब नियंत्रण रेखा में खोज की गई, पता चला कि घुसपैठियों की जो रणनीति है वो बहुत ज़्यादा अलग है, बहुत बड़े पैमाने पर हमले की साजिश करी गई है, तब जा कर के आगे इसे ऑपरेशन विजय नाम से एक सेना ने करीब करीब 2 लाख सैनिक वहाँ भेजे और इस कारगिल वॉर को अंजाम दिया गया। कारगिल जो होने को वो क्षेत्र कारगिल नहीं, द्रास है जहाँ पर ये लड़ाई हुई है। तो अब सीधा मैं आपको उस जगह ले जाता हूँ, क्योंकि ये अभी मैं दिल्ली में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन ये जो मेरी वीडियो है पिछले साल की है। पिछले साल जो मैंने लेह लद्दाख अपने सीरीज डाली थी उसका एक पार्ट है करीब 7-8 मिनट का, तो उसको जब भी मैं देखता हूँ तो मेरे एक प्रकार से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसको बार बार देखने का जी करता है, बार बार सुनने का मन करता है, क्योंकि वो इतनी खौफनाक वारदातें करी गई थी वहाँ पर, इतना सब कुछ हुआ था। तो आप उसे सुनिए, आपको बताइए कैसा लगा है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले आप ये स्टोरी देखिए, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये रोड है, ये सीधा पाकिस्तान के निशाने पे आती है, तो पाकिस्तान के हमलों से बचाने के लिए इस रोड के आगे ये दीवार ये खड़ी करी गई है, ताकि पाकिस्तान को सीधी करीब मुझे लग रहा है वहाँ कहीं किसी पहाड़ी से दूर किसी पहाड़ी से वहाँ से बमबारी यहाँ करता है पाकिस्तान, कि रोड की सेफ्टी के लिए, कि रोड पर कोई नुकसान ना हो या आना जाना लोगों का या फौज का दिक्कत बनाना हो, इस कारण ये दीवार बनाई गई है। तो वहाँ कहीं से वो दूर उधर कहीं से पाकिस्तान हमला करता है, उसे ये रोड जो है मतलब वहाँ से चमकती है, जिस कारण से ये दीवार बनी। तो अभी मैं कारगिल वॉर मेमोरियल के यहाँ पर हूँ, और मेन ये जो लोकेशन है ये कारगिल नहीं होके ये द्रास में है, यानी कारगिल से पहले एक जगह पड़ती है द्रास नाम से, नीचे है वो जगह। जो मेन कारगिल की वॉर हुई थी वो यहीं पर हुई थी, मतलब मेन वॉर आपकी वहाँ नहीं हुई है, मेन वॉर आगे कारगिल में नहीं हुई है। कारगिल यहाँ से कुछ 52 किलोमीटर्स कह रहे हैं आगे है शायद से, तो मेन वॉर आपकी वहाँ ना होकर के मेन वॉर यहाँ हुई थी द्रास में। जो कारगिल वॉर मेमोरियल देख रहे हैं आप, ये सामने जो ये देख रहे हैं पहाड़ी देख रहे हैं, इसका नाम है टोलोलिंग। ये टोलोलिंग पहाड़ी है, तो मेन जो वॉर हुआ है वो इस पहाड़ी पर ही हुआ है, इस वाली पर। और ऐसा था वॉर का कि विंटर में जो शिमला समझौता हुआ था उसके अनुसार विंटर में विंटर आते ही 6 महीने के लिए दोनों जो सेनाएं हैं वो नीचे उतर जाती हैं। लेकिन 1998 में क्या हुआ कि मतलब 1998 में हमारी सेना तो वहाँ से नीचे उतर गई, लेकिन पाकिस्तान की सेना वहाँ से नीचे नहीं उतरी, जिसका पता मतलब उन्होंने 1998 में ही ऊपर कब्जा कर लिया था पूरा, मतलब 150 किलोमीटर कह रहे हैं कि 150 किलोमीटर का करीब इन्होंने कब्जा कर लिया था, बाई रोड के हिसाब से नहीं, पहाड़ियों के हिसाब से। पहाड़ियों के हिसाब से देखें तो जैसे सोनमर्ग से लद्दाख जो कि 300 किलोमीटर का करीब एरिया पड़ता है, तो इसके हिसाब मतलब इस प्रकार का एरिया जो है मतलब पहाड़ी इन्होंने 150 किलोमीटर का एरिया कब्जा उस विंटर सेशन में 1998 में कर लिया था। और अपना इनका जो मेन वो था ऊपर जिसे वो कहते हैं मेन, जहाँ से वो एक कॉल सेंटर टाइप होता है, जैसे आपकी कॉलिंग पहले जब आप मोबाइल से कॉल करते हैं तो पहले कॉलिंग कॉल सेंटर पर जाती है फिर आपके पास आती है, तो एक उस प्रकार का इनका एक जो आर्मी का होता है वो यहाँ टोलोलिंग में ऊपर था। तो इसे जीतने के लिए करीब भारतीय सेना को 1 महीने का समय लग गया था, पूरा 1 महीने, यानी कि जो फाइट चालू हुई थी मतलब जो फाइट चालू हुई थी वो 20 मई से चालू हुई थी और 24 जून को इस पहाड़ी पर कब्जा किया गया था। उसके बाद 15 दिन मुश्किल से लगे होंगे, वो टाइगर हिल सामने दिखाई दे रही है, वो जो ऊपर दिखाई दे रही है वो टाइगर हिल है, उसको कब्जा करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। ज़्यादा टाइम जो इनको लगा वो इस पहाड़ी को पे कब्जा करने में लगा है। और
बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं यहाँ के। मतलब जो पाकिस्तान है वो, जैसे ये पहाड़ी है टोलेलिंग, टोलेलिंग के बाद एक, जैसे आप ये पहाड़ी देख रहे हैं, जैसे ये पहाड़ी देख रहे हैं, इस पहाड़ी और इस पहाड़ी में जैसे गैप है, ऐसे ही एक पहाड़ी बाद, करीब एक पहाड़ी बाद पाकिस्तान का एरिया चालू होता है और उसके पीछे सारा पीओके है, यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर उसके बाद है। तो जो यहाँ की हिस्ट्री जो बताई अभी इन्होंने अंदर, क्योंकि रिकॉर्डिंग मना है, उस रूल्स को फॉलो करा जाएगा। जो मैंने कुछ पिक्चर्स खींचना अलाउड है, वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है। पिक्चर्स आप इंस्टाग्राम मेरे अकाउंट पे जा सकते हैं, इंडिया ऑन रोड ट्रिप में, तो पिक्चर्स वहाँ पे देख सकते हैं। और 1998 में कब्जा होने के बाद, 1999 मई में कैसे पता चला, 17 तारीख को एक जो बटालियन, जहाँ मतलब जो पेट्रोलिंग होती है, पेट्रोलिंग के लिए जो कैप्टन निकले थे, वो उनका संपर्क निकलते ही टूट गया, तो उनका संपर्क ही नहीं हुआ। 17 मई वो निकले थे जब पेट्रोलिंग के, काफ़ी पहले, मतलब 56 दिन पहले निकले थे 17 मई से। तो 56 दिन बाद जब उस चीज़ का पता चला, तो 17 मई को उस चीज़ का पता चल गया था कि वो मतलब पाकिस्तान ने पूरे इस एरिया पे कब्जा। उसके बाद 20 तारीख को वॉर चालू हुई। जो हमारे जवान पेट्रोलिंग पे थे, उनकी जो बॉडी थी उसको सिगरेट से जला जला के पूरा ख़त्म कर दिया गया था। नाखून फेंक, सब बंकर्स में फेंक दिए गए थे जो भारतीय बंकर्स थे। तो ये पूरी एक कारगिल वॉर की कहानी है, एक पूरा इसका इतिहास है जो शायद पाकिस्तान कभी भूल ना पाए। और यहाँ से जो थोड़ा पहले ही द्रास पड़ता है, द्रास में जो मेन कहते हैं एशिया का जो नंबर वन ठंडा इलाका है वो है द्रास। माइनस, सर्दियों में -60 तक वहाँ टेम्परेचर जाता है, और अभी गर्मियों में भी माइनस में रहता है, अभी रात के समय में। इस समय तो धूप निकल रखी है तो मौसम ठीक हो रहा है, लेकिन रात के समय में वहाँ पर भी जो मौसम है वो बहुत माइनस डिग्री में होता है। तो दोस्तों, अगर आप इस रूट से निकल रहे हैं तो यहाँ होके जरूर निकलें। सो आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी और आपको कुछ नॉलेज गेन हुई होगी वहाँ के बारे में, कारगिल वॉर के बारे में कुछ जानकारी पता चली होगी मेरी तरफ से। कोई फैक्ट अगर गलत होता है तो मैं उसके बारे में कह नहीं सकता हूँ, उसके लिए पहले से ही क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने एक वहाँ पर अंदर कारगिल वॉर मेमोरियल में जो वहाँ के सैनिक हैं हमारे, उनसे बात हुई थी, उनसे ये स्टोरी पता चली थी, तो वो स्टोरी मैंने आपसे शेयर करी। तो आई थिंक जो उन्होंने मुझे स्टोरी शेयर की थी वो बहुत ज़्यादा रियलिटी पे आधारित थी, तो वो स्टोरी मैंने आपको बताई। तो देखिए क्या होता है आगे, हो सकता है कि मैं अगस्त के लास्ट में फिर से लद्दाख जाऊँ, फिर से आपके लिए स्टोरीज़ वहाँ की कवर करूँ, बताऊँ एक बार और अच्छे तरह से, क्योंकि वो टाइम मेरी व्लॉगिंग की स्टार्टिंग थी। अब मैं थोड़ा सा व्लॉगिंग में थोड़ा सा परफेक्ट हो चुका हूँ, थोड़ा सा, अभी भी सीख रहा हूँ, सीखा नहीं हूँ, सीख रहा हूँ। तो होपफुली आपको और वहाँ के बारे में अच्छे से बता सकूँ, वहाँ के डायरेक्ट सैनिक से इस बारे में बात कर सकूँ। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं BMW की न्यू बाइक ले रहा हूँ, अभी मेरे पास UM है, तो मैं UM को थोड़ा वहाँ ले जाने में डरता हूँ, नहीं तो मैं अब तक वहाँ जा चुका होता, लेकिन उसके थोड़ा सा ट्यूबलेस टायर्स नहीं है, इस कारण से मैं उसे ले जाने में डरता हूँ। और भी उसके साथ प्रॉब्लम्स है, एयर फिल्टर की प्रॉब्लम है, वो जो वहाँ जाकर के प्रॉब्लम होती है। तो होपफुली इस मंथ के एंड या नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग तक मेरे पास बाइक डिलीवर हो जाएगी, उसके बाद मैं लेह लद्दाख निश्चित जाऊंगा इस साल, क्योंकि मुझे वहां जाने से, लेह लद्दाख से इतना मतलब नहीं जितना कारगिल वॉर मेमोरियल से मतलब है। वहां जाकर की एक अलग फीलिंग आती है, एक अलग ही जज्बा आता है, जुनून आता है, गर्व होता है अपने देश पे, अपने देश के सैनिकों पर। तो होपफुली आप भी वहां होके आइए, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा महसूस होगा। तो इस वीडियो का को मैं यहीं क्लोज डाउन करता हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, दिस इज लक्ष कुमार फ्रॉम इंडिया ऑन रोड ट्रिप। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट कंटेंट के साथ, नेक्स्ट ब्लॉग्स में। तब तक एंजॉय कीजिए, अच्छे रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय।